जम्मू कश्मीर आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए गुजरात के सैनिक। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिन से हालात बिगड़ रहे हैं। आतंक एक बार फिर घाटी को हिलाने की कोशिश कर रहे और खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे। हालांकि भारतीय सेना के वीर जवान आतंकियों का सफाया कर रहे। सेना के जवानों ने पिछले 9 दिनों में 10 झड़प में 13 आतंकियों को मार गिराया है। दुर्भाग्य से इन घटनाओं में सेना के कुछ 9 से ज़्यादा जवान भी शहीद हुए, जिसमें गुजरात का भी एक जवान शामिल है। खेड़ा जिला के कपड़वंज तहसील के वंजारिया गांव के निवासी हरेश सिंह राधे सिंह परमार जम्मू कश्मीर में मचल सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। 5 साल पहले 2016 में भारतीय सेना में शामिल हुए 25 वर्षीय हरेश सिंह परमार जम्मू कश्मीर में तैनात थे। हरेश सिंह परमार ने माचल सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच हुए झड़प के दौरान देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। हरेश सिंह परमार की शहादत से वंजारिया गांव में 2500 की आबादी वाला उनका गांव अभी परिवार के साथ शोकमग्न है। शहीद हरेश सिंह परमार का पार्थिव शरीर आज अहमदाबाद से लाया जाएगा और उनके पैतृक गांव वंजारिया ले जाएगा। हरेश सिंह के परिवार में उनके माँ राजेंद्र सिंह परमार भी इंडियन आर्मी में 2011 में उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन 3 साल के बाद पारिवारिक वजह से उन्होंने आर्मी में से इस्तीफा दिया था। कपड़वंज के वणजारिया गांव के 2500 की आबादी वाले गांव में से उनके परिवार में से मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने आर्मी में फर्ज बजाई थी राजेंद्र सिंह परमार। अभी उन्होंने बताया राजेंद्र सिंह परमार ने कि 2011 में उन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन की थी और 2014 तक उन्होंने इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पर अपनी फर्ज बजाई थी। राजेंद्र सिंह ने कहा कि 2011 की भर्ती में उन्होंने जम्मू हैदराबाद हिमाचल प्रदेश और अनेक प्रदेश में उन्होंने ड्यूटी की थी और 3 साल तक उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस की। 22 जितने उनके अलग अलग पोस्टिंग भी हुई थी, लेकिन उनके पारिवारिक वजह से उनके पारिवारिक घर के कारणों सर वो वहाँ से नौकरी में इस्तीफा दिया था और घर पे आ गए थे। लेकिन बाद में उनका छोटा भाई हरेश सिंह ने 2016 में भारत माता की सेवा का मौका मिला और उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने की भी पोस्टिंग हुई थी और बाद में 2 जून के वो वहाँ पर अपने गांव से परत नौकरी पर गए थे। दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने मई महीने में उनकी शादी होने वाली थी, उनके लिए उनके गांव वणजारिया वो आए थे और बता रहे कि मेरी शादी धूमधाम से होगी, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहे हैं इसीलिए थोड़े से मेहमान बुलाकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो शादी करेंगे और 2 जून को उनको नौकरी पर परत जाना पड़ा। उनको मालूम ही नहीं था कि वो वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन उनको शादी करनी थी लेकिन कोरोना की वजह से वो शादी नहीं कर पाए और बाद में वो 2 जून को नौकरी पर आर्मी में परत चले गए थे। लेकिन अब हरेश सिंह वापस घर पे नहीं आएंगे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर आएंगे। और हरेश सिंह के पिता राधा भाई परमार ने बताया कि उन्हों को जम्मू से भारतीय सेना मेजर का फोन आया था कि हरेश सिंह शहीद हो गए। वो सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन उनको गांव का गौरव भी हुआ कि मेरा एक पुत्र है वो शहीदी वहरी है और भूम की रक्षा के लिए वो शहीद हुए। उनके दोस्तों ने बताया कि वो बचपन से ही आर्मी में ज्वाइन होने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो कॉलेज काल का बीच में ही वो अभ्यास छोड़ दिया और आर्मी में लग गए और 2016 में वो हरेश सिंह राज सिंह परमार इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए। उनकी पोस्टिंग असम में हुई और उनके बाद उनकी दूसरी पोस्टिंग बाद में जम्मू में फर्ज के लिए उनकी पोस्टिंग हुई और जम्मू में वो फर्ज पर थे तो वणजारिया गांव के रहते उनके राधाबाई मराबाई परमार के संतान में 2 पुत्र थे, जिनमें हरेश सिंह छोटा और राजेंद्र सिंह बड़ा भाई, और दोनों भाई आर्मी में सेवा कर चुके थे और बड़ा भाई ने अपने पारिवारिक कारणों से आर्मी में इस्तीफा दिया, लेकिन छोटे भाई को जब मौका मिला 2016 में
तब वो ज्वाइन हो गए और अपने बड़े भाई की जो कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी में ज्वाइन हो गए और बड़े भाई ने फर्ज मौकूफ़ किया था वो फर्ज अदा करने के लिए 2016 में ज्वाइन हो गए और 2021 में उनका पार्थिव शरीर अपने गांव में आएगा। तब गांव के लोगों को शोकमग्न दिखाई दे रहा है और शहीद अमर रहो के नारे लगाकर पूरा गांव शोकमग्न हुआ है। कपड़वंज शहर और अजबजू तहसील के गांव के लोग और शहर के लोग उनका पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए बेताज है और कल सुबह उनका पार्थिव शरीर आएगा। तब सब कपड़वंज के तहसील के जो नदी दरवाज़ा से वहीं से उसके पार्थिव शरीर का दर्शन के लिए खुला किया जाएगा, वहीं से उनकी यात्रा निकलेगी जिनमें पूरे कपड़वंज के 110 गांव के अलग अलग लोग के हिस्सेदार आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, सगा संबंधी भी आएंगे और वो वहां उनका दर्शन करेंगे पार्थिव शरीर का और शहीद अमर रहो का नारा भी और भी ज़्यादा मजबूती से लगाया जाएगा और हमारे इंडियन आर्मी के लोग और हमारे जवान है वो सरहद पर रख सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब हम अच्छी तरह से सो पाते हैं, अच्छी तरह से हम रह पाते हैं। हमारे जो आर्मी जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते। उसी तरह कपड़वंज के एक वणजारिया गांव, छोटा सा गांव है, उसी गांव के एक छोटा सा परिवार में दो बच्चे थे, उसमें आज हरेश सिंह परमार का जो पार्थिव शरीर अहमदाबाद लाया जाएगा, उसके बाद पैतृक गांव वणजारिया में ले जाया जाएगा और वही उनके परिवार में जो एक भाई है और उनके परिवार हरीश सिंह परमार का पार्थिव देह अहमदाबाद पहुंच चुका है। कल सुबह 6:30 बजे अहमदाबाद हनुमान कैंप से उनके वतन वणझारिया कपड़वंज पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा और कपड़वंज के नदी दरवाजे से लेकर पार्थिव शरीर का दर्शन के लिए लोग वहां उनके दर्शन कर सकेंगे और वणझारिया में उनके गांव भेजा जाएगा। वही अंतिम क्रिया आन बान शान के साथ होगी और परिवार को सौंपा जाएगा।